Hotel Kingston. क्यों इस तरह से तुमने मेरा मजाक बना रखा है? तुम्हें क्या लगता है इस बात से सिर्फ तुम्हें दुख हुआ है, मुझे नहीं? विश, विश मुझे तुमसे कुछ कहना है। God, शेली मुझे माफ कर दो। I'm so stupid. हेलो, गुड मॉर्निंग होटल किंगस्टन। आज की ताजा खबर। क्या हुआ? अरे विश और शेली के बारे में। विश और शेली? काफी स्टाइलिश लगता है। मैं फिर से तो फरमाना। अरे मैंने कहा कि ये होटल काफी स्टाइलिश लगता है। अरे किस्मत का शुक्र अदा करो कि हमें यहाँ तक भी ले आई। अरे किस्मत ने दरवाजा खोल के दिया ना, चलो अंदर देखते ना। हाँ चलो चलो। अच्छा बताओ भाई, कितना रुपया हुआ? पर तुम्हें किसने बताया? अरे मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा। मैं रेस्टोरेंट में थी, निक विश को बता रहा था। अच्छा, निक को कैसे पता चला? अच्छा व्हाट? सच? ये मिस्टर इधर देख जरा। सर एक मिनट। अरे तू फोन पे बात करेगा, हमको देखना। मैं बाद में बात करता सर। अरे मैं पूछता है तेरे को, हमको गाड़ी पिकअप के लिए आने वाला था, काहे को नहीं आया? एक्सक्यूज मी सर। अरे मियाँ एक्सक्यूज तो बाद में करेंगे। हाँ, पहले ये बताओ कि आपने गाड़ी क्यों नहीं भेजी? अरे जो कागज पे लिखा है उसकी कदर तो करनी चाहिए ना। प्रिया शैली मैम को देखा। अब शैली मैम के बारे में तो आप ही अच्छी तरह से जानते हैं कि इस टाइम शैली मैम किधर होंगी और किधर नहीं। हम तो आपके स्टाफ हैं, हमें क्या मालूम। दिखाई दे तो बता देना। ओके, मैं ऑफिस में चेक करता हूँ। हद है, बस आपस में ही बातें करते रहेंगे आप लोग। यस सर। नो सर। बोलिए सर। ये देख, ये रूल में क्या लिखा है, गाड़ी पिकअप के लिए भेजूंगा, काहे को नहीं आया? अरे इधर फोकट का 100 रुपए का फटका पड़ा मालूम हमको। डोंट माइंड सर, बट मुझे लगता है कि आप लोग गलत होटल में आ गए। एक्सक्यूज मी सर। मिसेस हॉकिंस, आप खड़ी हैं तो बैठ जाइए। सर टॉप न्यूज यू नो, विश और शैली दोनों साथ साथ। क्या? हाँ। तुम्हें किसने बताया? कौन कहेगा, आंखों देखी। हाँ मैं अभी सबको बताती हूँ। फोन किया, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाद में बात करता हूँ। अरे जरा फिर से तो फरमाना, आपने क्या कहा कि हम गलत होटल में आए हैं? हैं, जरा बाजू में आइए, हैं हम बताते हैं कौन गलत है और कौन सही है। आइए। आई एम सॉरी सर, बट मुझको लगता है कि कुछ कंफ्यूजन हो गया है। अरे किस कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं आप लोग? लो लो। ठीक है ठीक है, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ मैनेजर साहब। थैंक यू वेरी मच सर, बट मैं मैनेजर नहीं। कोई बात नहीं, नहीं हो तो हो जाओगे टाइम के साथ साथ माय बॉय। थैंक यू वेरी मच सर, अगर आप लोगों का साथ रहा तो क्यों नहीं। सर कहिए मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? बात क्या है कि हम लोग सर्च ब्यूटी अमंगस्ट बीस्ट कॉन्टेस्ट के विनर्स हैं। और हमें प्राइज में इस होटल में 2 दिन का स्टे मिला है। कांग्रेट्स सर। मेरे दोस्त इसलिए परेशान है कि इस प्राइज में होटल पिकअप और ड्रॉप भी इंक्लूडेड है। ओके सर, वेलकम टू होटल किंगस्टन सर। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं आपका ये मैटर डायरेक्टली जीएम तक पहुंचाऊंगा। डोंट वरी। और मैं बताता हूँ आपका रूम नंबर कौन सा होगा। बताइए सर, एक मिनट में एक फोन कर लो सर, प्लीज सर। हेलो, फिर फोन पे लगे। सर आप इतना ये फॉर्म फिल कर दीजिए। हाँ बॉबी बोल। जॉनी ये जाके ना सुजीत को दे दो। ठीक है, बोलो मिसेज हॉकिंस ने दिया, जल्दी जाओ। अरे सबसे पहले तो मुझे ही पता चला, ऐसा समझ कि सारी न्यूज सबसे पहले रिसेप्शन से ही होकर जाती है। मिस हॉकिंस ने दिया है।
अरे भाई मैं तो वहीं पर खड़ा था। अरे आप तो बाद में आए, उससे पहले मैं वहां पर खड़ी थी। वो दोनों जिस तरह हाउ स्वीट, दोनों मेड फॉर ईच अदर, यू आर राइट। लेकिन हाँ वो, अरे यहाँ पर भीड़ क्यों जमा, जाइए अपने काम पर। कम ऑन कम ऑन मूव। पॉबी मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। मॉर्निंग। मॉर्निंग प्रियेश। वो विश, ये कॉन्टेस्ट विनर है। कौन सा कॉन्टेस्ट? ब्यूटी एंड बीस्ट कॉन्टेस्ट। ओह गुड। प्रियेश वो शैली मैम को बाहर जाते हुए देखा तुमने? अब जीएम साहब आ गए हैं तो एमडी साहिबा भी आती ही होंगी। व्हाट नॉनसेंस। विश, ये तुमसे कोई जरूरी बात करना चाहता हूँ। बहुत अपसेट हैं बेचारे, इनको कोई पिकअप करनी नहीं है। अरे बाबा ये डीसी, ये रूल वगैरह देख लेना बराबर क्या है, सब कुछ फ्री में है कि नहीं पूछ ले। दो मिनट बाद में। अरे नहीं फजूल का खर्ची काय को करने का, ये होटल वाले बड़े चोर रहते मालूम, एक बाटली पानी का देते 100 रुपए लेते। हाँ फ्री में होगा तो चलेगा ना अपने को। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, पढ़ने देना। पढ़ने या देखने दो। आप लोग हमारे जीएम से मिलना चाहते थे ना? हाँ, किधर है? ये है सर, हमारे जीएम मिस्टर विश्वामित्र केलकर। केलकर कैसा है रे बाबा? ठीक हो सर, मराठी आदमी। वेलकम टू होटल किंगस्टन, और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा होटल पसंद आया। अरे पसंद आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि आपको एयरपोर्ट पर रिसीव करने कोई नहीं आया, लेकिन आपको ड्रॉप ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा फॉर श्योर। और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमारा स्टाफ आपके लिए मौजूद है, और यहाँ की सारी फैसिलिटी जैसे रेस्टोरेंट, पूल, सलोन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड आई होप यू एंजॉय योर स्टे इन किंगस्टन। प्रियेश ने 401, 402 और 403 में बुक करा देना, तीनों रूम्स पूल साइड फेसिंग है, एंड टेक गुड केयर ऑफ देम। ओके ओके, हैव अ नाइस टाइम। ये बाबा ये कुछ सब कुछ फ्री फ्री बोला है, शली कहाँ हो तुम? बॉबी, बॉबी शली मैम को देखा? शली मैम को देखा है ना सर, मैंने उन्हें रिसेप्शन की तरफ जाते हुए देखा है सर। Excuse me. All the best. मियां ब्यूटी पार्लर के टाइमिंग्स क्या है? सर 10 से 7 तक, मगर वो आप लोगों के लिए नहीं है। क्यों मियां ऐसा क्यों फरमाया? वो सर, अरे वो व्यायामशाला किधर है? व्यायामशाला? अब जिम जिम। सर वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग, तुमने शली मैम को बाहर जाते हुए देखा? अरे जनाब, बॉडी बना सकते हैं तो चेहरा नहीं बना सकते हैं क्या? वो व्यायाम करने का मतलब सिर्फ जवान आदमी लोग के लिए क्या? नहीं नहीं सर, आप जा सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मियां बॉडी बना सकते हैं तो चेहरा भी तो बना सकते हैं ना? सर ऐसी बात नहीं है सर, मैंने सोचा आप लोग यहाँ रेस्ट करने आए हैं, और सर एक्सरसाइज तो होती रहेगी ना सर, और फेस के मामले में मैं भी बहुत पर्टिकुलर हूँ सर। मैम कहाँ है, कब से पूछ रहा हूँ। अरे वो रूम एयर कंडीशन है ना सर? रूम में सब फैसिलिटीज है सर। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। हेलो, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, 10 मिनट में फोन कीजिए। अरे वो रूल में लिखा करके पूछ रहा था, रूल लिखा है डिलक्स रूम मिलेगा सर वो। अरे जनाब, कभी आपने कोपरेल के तेल के साथ मेथी का इस्तेमाल किया है अपने बालों में? नहीं सर, मैंने नहीं किया कभी। अरे वो सब छोड़ो, मैं पूछ रहा हूँ कोई पूल साइड ले जाएगा मुझे? ये शली मैम किधर है? Where the hell is Shelly ma'am? ये जन्नत की खुशबू यहां कहां से आ रही है?
फॉर जेंटलमैन। मैम ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट के विनर मिस्टर केलकर, हमारे कॉन्टेस्ट विनर्स की देखभाल में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। एंड प्रियेश, मैं अभी जा रही हूँ, मुझे डैड से मिलना है। मैं बहुत बिजी रहूंगी, इसलिए कोई भी फोन कॉल्स हो तो तुम अटेंड करना, मुझे कोई कॉल्स नहीं चाहिए। हैव अ नाइस डे। सर, बेल बॉयज आपको रूम तक छोड़ देंगे। सर, हेलो सर। वो जनाब, अभी जो हवा के झोंके की तरह आई और हमारी नजरों के सामने से चली गई, वो कौन है? सर, वो हमारे होटल की एमडी है। क्या कहा, जरा फिर से तो फरमाइए। हमारे होटल की एमडी। क्या था? शैली, मैं तुमसे मिलना चाहता था। या शॉप, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, इंतजार होगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तुमने पेपर्स मंगवाए थे? हाँ, इनफैक्ट मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था, आपको वो फाइल देनी थी, साइन कर दिया मैंने। ओके, थैंक यू। Yes, Mrs. Hawkins. आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हैं मिसेज हॉकिंस? मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। गॉड ब्लेस यू। देखिए तो, स्वयं विश्वामित्र केलकर यहां बैठे हैं। होटल किंगस्टन के दामाद। सर, ये नाचीज आपकी क्या सेवा कर सकता है? अजीत, प्लीज मुझे 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ सकते हो तुम लोग? दिस इज टू मच यार। तुम लोगों की स्माइल्स देख देख कर मेरा मुंह थक गया है। प्लीज लीव मी अलोन। चल यार, जा रहा हूं। I'm sorry. तुम्हें पता है क्रांति कब बनी थी? हाँ? क्रांति? क्रांति पिक्चर कौन से साल में शूट हुई थी? Really sorry. मैं जानती हूँ मेरी गलती है और तुम्हें इतना बड़ा धक्का पहुंचा है, इसलिए तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। नहीं शैली, अपने दुख के लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराता। अपनी फीलिंग्स को काबू में रखना मेरा काम है। सोच रहा हूँ भारत यात्रा पे जाऊं, वो सारी जगह देखूं जहां पे हमारे देशभक्तों की फिल्में शूट हुई हैं। सर, हाँ
सर बोलो वो सर वो आ गई है सर। कौन? शेली मैम। अभी अभी स्विमिंग पूल की तरफ ही गई है। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ए भाई सर, ये सब फ्री में है ना? नहीं नहीं, इसमें लिखा करके पूछ रहा हूँ मैं। अरे मियाँ जरा फिर से तो फरमाइएगा, फाइव स्टार होटल में ऐसा सवाल पूछना अच्छा नहीं लगता है। नो प्रॉब्लम सर, ये सब कुछ फ्री है। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द होटल सर। और श्योर सर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे सर। ये ए मिस्टर विद्वान, तू बता ना तेरा ये रूल का स्टडी कैसे चल रहा है? कुछ भी बोलते हो, मैगजीन पढ़ रहा हूँ। मैगजीन मैगजीन पढ़ रहा है, पूल की तरफ देखा भी नहीं मैंने। यार शैली, मैं कल रात से आपको फोन कर करके परेशान हो गया हूँ। आप क्यों? एक रात में ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने परेशान हो गए? कोई प्रॉब्लम? शैली, मुझे निक ने सब कुछ बता दिया। ओह रियली? आई एम सॉरी शैली, आई मिसअंडरस्टूड यू। टू बैड मिस्टर केलकर, अब मुझे इस टॉपिक में कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे मुझे प्रियेश ने इन्फॉर्म किया था कि कॉन्टेस्ट विनर्स होटल में आ चुके हैं, सो आई होप आपने उनके लिए अरेंजमेंट्स कर दिए होंगे। एंड वो लिनन ऑर्डर का क्या हुआ? शैली, मुझे सिर्फ एक मौका। नहीं विश, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो सब काफी नहीं था। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था। तुम चाहते थे कि मैं सारी दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार करूं। मेरी खामोशी तुम्हारे लिए काफी नहीं थी। मेरी आंखों ने जो कहा वो तुम नहीं सुन पाए। जब तक मैंने साफ साफ लफ्जों में निक से नहीं कहा, जब तक मैंने उससे अच्छी तरह से बेइज्जत नहीं किया, तुम्हें खुशी नहीं हुई। वाह भाई वाह, मजा आ गया। मेरे जोहर जो भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक सिंगार में जवान, दिल पे कुर्बान मेरे जान, दिल पे कुर्बान मेरे जान, मेरी जान। कम इन कम इन। अरे आपने मुझे बुलाया सर? अरे वाह, भाई तुम तो बड़े काम के इंसान हो। है मैंने सुना है तुम यहाँ के वो क्या कहते हैं, सबसे जुगाड़ू इंसान हो। तारीफ के लिए शुक्रिया सर। हमारा एक काम करोगे? कहिए, आप कहें और हम ना करें। बैठो 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 बैठो। वो क्या है, हमारा एक छोटा सा काम है। नहीं 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 नहीं, क्या 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 बात कर रहे हैं सर आप, ये पॉसिबल नहीं है। अरे क्या बात करता है बच्चा, पॉसिबल नहीं है देखो। लेकिन शैली मैम यहाँ की एमडी है ना, वो किसी से मिलती नहीं है। अरे ये लो भाई, काम बहुत ही मुश्किल है, मगर मैं कोशिश करूंगा। लेकिन लेकिन मुझे, क्या बता, मुझे नहीं लगता, बहुत डिफिकल्ट है ये। अब हो जाएगा।
बड़ा प्यारा बच्चा है। किधर जाता किधर? वो क्या है, तबीयत थोड़ा खराब है, हम सोचा चेकअप करा ले। जाओ 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 जाओ। क्या जाओ? मतलब क्या है ऐसा, अपना तबीयत को ना दुर्लक्ष नहीं करना चाहिए। जाओ डॉक्टर को दिखा के लाओ। ठीक है। काम दे बाबा, तू खड़े जा। सुना है तुम इधर का सबसे जुगाड़ू आदमी है। आपको भी पता चल गया सर? अपना काम करेगा क्या? मुझे पता है, आपको भी एमडी से मिलने का है तुम्हारा। मुझे मालूम था। कैसा मालूम था? मतलब ऐसा लगा, ऐसा लगा। कर देगा? नहीं, बहुत मुश्किल काम, मुश्किल काम है और काम के दाम भी लगेंगे। दाम मत, तुम भी डरने का नहीं, डरने का नहीं। ये ले रे बाबा, ले। ₹5 गलत नोट है, गलत नोट आ गई सर। अरे नहीं रे बाबा, लेना और देते तेरे को बस। अच्छा ले चल, अच्छा ले चल रे बाबा, मजा कर तू। मजा? अरे बाबा, ₹50 में कितना आता मालूम है? 2 महीने का राशन भरता है, 5 किलो घी आता है और 1 महीने का पूरा दूध भी आता है। 50 साल पहले आता था, इसे आप ही रखिए सर, राशन घी दूध। आयला लेकिन ज्यादा लड़का लगता है ये। होटल किंगस्टन।